ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश भर में जारी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम के चलते बीते रोज मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नावा, दूदू और टोंक जिले के निवाई में आयोजित हुए कार्यक्रमों में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने जोरदार स्वामी भक्ति दिखाई और सीएम गहलोत का जबरदस्त महिमा मंडन गुणगान करते हुए यहां तक कह दिया कि आपकी बदौलत राजस्थान में सरकार बची है, वरना आज हमारी हालत दो कौड़ी की हो जाती। इसके साथ ही एक बार फिर सीएम गहलोत के सामने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए गए। आपको बता दे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को सुबह नावा, फिर दूदू और उसके बाद टोंक जिले के निवाई तहसील के झिलाई रोड के पास चल रही ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों प्रतियोगिता में पहुंचे और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। अपने भाषण के बाद सीएम गहलोत मंच से नीचे उतरकर खिलाड़ियों और कार्यकर्ताओं से मिलने दर्शक दीर्घा में पहुंचे, जहां शुरुआत में ही उन्हें पायलट समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सामना करना पड़ गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समर्थकों ने गहलोत के सामने जमकर सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि इस दौरान सीएम गहलोत हल्की मुस्कुराहट के साथ कार्यकर्ताओं की तरफ हाथ हिलाकर आगे बढ़ गए। वहीं पायलट समर्थकों को पुलिस कर्मी शांति बनाए रखने के लिए समझाइश करते रहे। वहीं इससे पहले अपने संबोधन के दौरान चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जबरदस्त गुणगान करते हुए कहा कि आप सूर्य नगरी के लाल हो और आपने राजस्थान में स्वर्ण युग ला दिया है। आप वाकई जादूगर हो। आपकी ही बदौलत राजस्थान में सरकार बची है, वरना हमारी हालत दो पड़ी की हो जाती। परसादी लाल मीणा ने आगे कहा कि हम विधायकों का पूरा विश्वास अशोक गहलोत के साथ है। सरकार बचाने की जादूगरी आपने की है, आप जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। परसादी ने आगे दावा करते हुए कहा कि आपके नेतृत्व में एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में अभी लंपी का प्रकोप चल रहा है, गाय तड़प तड़प कर मर रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसका टीका नहीं बना सकी है। हालत यह है कि बकरियों का टीका गायों के लगाया जा रहा है। पीएम कह रहे हैं कि टीका बन गया है, लेकिन सच तो ये है कि अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है। वहीं बहुत चर्चित ईआरसीपी के मुद्दे पर सीएम गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपना वादा भूल चुके हैं, इसके लिए राजस्थान के 25 सांसदों को जाकर खड़ा होना चाहिए। वहीं एक बार फिर राजस्थान की सड़कों को लेकर गुजरात पर तंज कसते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि पहले राजस्थान की सड़कें खराब थी, ऐसे में गुजरात से आते समय नींद खुलते ही पता चल जाता था कि राजस्थान आ गया, लेकिन अब गुजरात जाते समय नींद खुलते ही पता चल जाता है कि हम गुजरात में आ चुके हैं और यह बात गुजरात के लोग भी कहते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।